करके कुछ गलिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपके सब अच्छे होंगे। आप सभी को जय हिंद। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर बहुत जल्दी सवेरा हो जाता है, 5 बजे हो जाता है, 5:15 के करीबन। अभी बस मैं उठाऊँ और मैं अकेला हूँ घर पे। मम्मी ननिहाल में, पापा ड्यूटी पे गए हुए हैं और मैं अकेला सो रहा हूँ। और अभी उठ गया और फिर अभी क्या, मैं रेडी होकर अजमेर जाना है। मुझे अजमेर कुछ बैंक का काम है, तो फिर वहाँ पे जाना है। अजमेर का भी सीन दिखूँगा आज आपको थोड़ा बहुत। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। हमारा नींद रहता हूँ, ये अपना घर है दोस्तों। और दोस्तों ये मैं खाट के ऊपर सो रहा हूँ, नहा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, फिर अजमेर के लिए चलते हैं। ओके दोस्तों, मैं रेडी हो गया एकदम। ये हेलमेट और ये गाड़ी रेडी हो गया। अब बस मैं निकल रहा हूँ अजमेर के लिए गाड़ी से। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है अजमेर अपने गांव से। अभी चल रहा हूँ मैं। देख लीजिए दोस्तों हमारे गांव का नज़ारा, कितना शानदार नज़ारा है दोस्तों। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, सुरेल से राष्ट्रपति भवन देने की जाती है, वो यही है अरावली पर्वत वाला। क्यों तुझे चाहे मेरा मन। ये बालाजी का मंदिर सबसे अच्छा मंदिर, प्रणाम शानदार सीन देख लीजिए दोस्तों। आप भी मजा आ रहा है, गांव गांव होता है दोस्तों, गांव गांव होता है दोस्तों। दोस्तों पुष्कर पीछे गया और ये अब अजमेर, पुष्कर पार करके अजमेर चल रहा हूँ मैं। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया पुष्कर का, क्योंकि दोस्तों फुल ट्रैफिक जाम था, फुल ट्रैफिक था। ये 900 चढ़ रहे दोस्तों, अपन 900 चढ़ रहे। या हो ऊपर तक दोस्तों गाड़ी चल रही है दोस्तों, बहुत ऊपर है ये, लगभग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में है ये। दोस्तों मैं अजमेर पहुंच गया और मासी के घर पे जा रहा हूं मैं अभी। यहां से मासी का घर 1 किलोमीटर दूर है, इसी कॉलोनी में। बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं मैं। दोस्तों मैं मासी के घर पे जाके आ गया, वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी यार। इस काम में मैं आया था अभी, उस बैंक के पास में खड़ा हूँ मैं, और अभी काम करा के फिर जा रहा हूँ। काम हो गया मेरा लगभग और अब मैं वापस गांव के लिए निकल रहा हूँ। ओके बाय। ये वैशाली नगर मार्केट वाली रोड है ना, उसका ये एरिया है दोस्तों। अजमेर स्मार्ट सिटी है यार, स्मार्ट सिटी बन गया है, लेकिन बहुत अच्छा बन रहा है, एकदम साफ, एकदम क्लियर, मस्त है। ऐसा लग रहा है कि मुंबई या फिर मतलब बड़ा महानगर है, वैसा लग रहा है। ये अजमेर छोटा, लेकिन ऐसा लग रहा है महानगर है। बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी है, मतलब क्लीन, एकदम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, घर भी अच्छे बने हुए हैं, एरिया भी अच्छा है, यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है। नहीं तो कचरा भी हर जगह कचरा डाल देती है, वैसा भी नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है। पुलिस वाले मिल गए थे, ये पुलिस वाले गए, ये इनकी ड्यूटी करने गए और मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहा हूँ। स्मार्ट है अजमेर, फ्यूचर में अगर मुझे रहना हो तो मैं अजमेर ही पसंद करूँगा। अच्छा है दोस्तों अजमेर। ये हॉस्पिटल है, कनक हॉस्पिटल, और ये होटल आ गए, अच्छा है, और ये कॉलेज। चलो दोस्तों चाय वगैरह हो, अब चलते हैं वापस घर पे। ओके मैं अभी आया हूँ चाय सुट्टा बार पे, जो अजमेर के अंदर चाय सुट्टा बार है वहाँ पे। यहाँ पे जनवरी के अंदर ओपन हुआ था, बहुत अच्छा है चाय, मस्त मसाले चाय बनाई थी भैया ने, मज़ा आ गया। और अब चलते हैं अपन गाँव में दोस्तों, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं यार। ब्लैक केक भैया, चाय।
दोस्तों आपको पुष्कर के अंदर लेके चल रहा हूँ। पुष्कर की जो कुछ गलियाँ है वो दिखाऊंगा आज आपको, पुष्कर की कुछ गलियाँ। दोस्तों आज यहाँ पर प्रोग्राम है जो ओम जी मुंडे लेना, मैंने आपको पी का वीडियो सेंड किया था, वहाँ वही आज सिंगर आएंगे जो गौशाला के लिए बहुत पैसा उगाएंगे। वहाँ पर लगभग 25 या 30 लाख रुपये उगाए थे और आज यहाँ पर प्रोग्राम है बहुत बड़ा, ये तैयारी चल रही है, वहाँ तक चलेगा। वो ट्रैक्टर है ना उससे पीछे वो गिले गिले दिख रहा है आपको, वहाँ तक का सीन है जिसमें आपको दिखाया जाएगा। तो आज शाम को आऊँगा मैं नाइट में, अच्छी इनसाइट कोशिश करूँगा। ये देखिए दोस्तों बहुत बड़ा प्रोग्राम है यहाँ पर भी, सिर्फ उसके राज गौशाला सेवा समिति है, बहुत बड़ा। वो गिले गिले दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ तक प्रोग्राम होएगा। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों, मज़ा है दोस्तों। और ये हाईवे बन रहा है नया, उसके टच में गौशाला, और गौशाला वो पीछे बैक साइड में, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ऐसे खंबे से बनाया हुआ है, तिलोरा की गौशाला है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, शायद मैं आऊँगा नाइट में, 8 बजे आऊँगा, देखूँगा दोस्तों, मस्त मज़ा आएगा मुझे। दोस्तों बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे जमा होगी, क्योंकि देख लो आपको दिख रहा है, क्योंकि व्यवस्था की ना तो फिर ग्राउंड कितना बड़ा किया, तो उसके अनुसार पता लग ही जाता है कि अपनों को कितना बड़ा विशाल भजन संध्या होगा यहाँ पे। और ओम जी मुंडेल वो भजन तो कम गाते हैं, लेकिन बस गौशाला के लिए पैसों की कमी होती है, उसको पूरा कर देते हैं। दोस्तों आप देख ही सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आज तो प्रोग्राम के अंदर। नेशनल हाईवे 89 NH 89 पे बना हुआ है ये गौशाला, बहुत बड़ा।